क्या देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी सुषमा स्वराज? क्या सुषमा के नाम पर लग चुकी है मोहर? देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर तमाम दलों में माथापच्ची का दौर जारी है। राष्ट्रपति को लेकर दोनों खेमों एनडीए और यूपीए में गुड़ा भाग जारी है, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी गुट ने अपने नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस में वैसे तो कई नाम है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसको लेकर चर्चा का बाजार बेहद गर्म है और वो नाम है देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस सुषमा के नाम पर अपनी मोहर लगाती है। खबर के मुताबिक सुषमा बीजेपी के टॉप लीडर्स के तय सभी मांगों पर खरी उतरी हैं और वे संघ की भी पसंदीदा हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो सुषमा के पक्ष में जाती हैं। आडवाणी की करीबी। सुषमा स्वराज को लाल कृष्ण आडवाणी का करीबी माना जाता है। ऐसे में आडवाणी को सुषमा के नाम पर कोई एतराज नहीं होगा, जो खुद बाबरी मस्जिद केस की वजह से रायसीना हिल्स की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। सुषमा के पक्ष में संघ। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को राष्ट्रपति बनाए जाने के हक में है। हालांकि इससे पहले संघ की ओर से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का नाम प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाबरी विध्वंस केस में आरोपी बनाए जाने के बाद उनका नाम वापस ले लिया गया। इसके बाद सुषमा का नाम संघ को सुझाया गया तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। विपक्ष का मिल सकता है साथ। वैसे तो विपक्ष भी अपने उम्मीदवार उतारने को लेकर मंथन कर रहा है, लेकिन खबर है कि अगर सुषमा स्वराज को उम्मीदवार बनाया जाता है तो उन्हें कई विपक्षी दलों का साथ भी मिल सकता है। खैर, रायसीना हिल्स पर अगला कब्जा किसका होगा, इसका पता तो 17 जुलाई को ही चलेगा, लेकिन जिस तरह से सुषमा का नाम आगे चल रहा है उससे इतना तो कहा जा सकता है कि देश को एक और महिला राष्ट्रपति मिलने वाली है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।